हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन डॉट कॉम चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। मैं हूं सेक्टर 82 में, वाटिका स्क्वायर कहा जाता है इस जगह को। मेरे से चंद कदमों की दूरी पे NH8 है। मैं आपको दिखा देता हूं मैं कहां पे खड़ा हुआ हूं। ये आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये अंडरपास है जो सेक्टर 82 की तरफ आता है और ऊपर से NH8 जा रहा है। आपने लोकेशन देख ली है और इसी लोकेशन के पास मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आज मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए और वहाँ पर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाऊँगा। प्रोजेक्ट कौन सा है मैं उसकी जानकारी आपको प्रोजेक्ट की साइट पर जाकर दूंगा। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ, लो राइज का ये प्रोजेक्ट है, दीनदयाल जन आवास योजना का ये प्रोजेक्ट है। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने ही बनाया था और उसमें मैंने बताया था दीनदयाल जन आवास योजना तो सस्पेंड हो गई है, तो अब ये दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट कहाँ से आ गया नया। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये पॉलिसी सस्पेंड हुई है उस दिन के बाद से नया लाइसेंस अप्लाई नहीं हो सकता है, बट जो पुराने लाइसेंस लगे हुए थे या जिनको अभी अभी लाइसेंस मिला था वो सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। हाँ, अब इनकी सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी। तो एक ऐसा ही ये प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लो राइज का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 93 में ये प्रोजेक्ट आया है। चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या प्रोजेक्ट लेकर आए हैं बिल्डर और क्या अमेनिटीज़ है, क्या प्राइस है। तय आपको करना है, आपको लेना है नहीं लेना है, मेरा काम आपको चीज़ें बताना है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, हम भी रियल एस्टेट में हैं, तो आपको कोई भी बेहतर डील चाहिए, कोई भी बेहतर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, आपको कोई भी अच्छी डील चाहिए, अच्छे प्राइस चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं आपको NH8 से जो वाटिका स्क्वायर है वहाँ से सिग्नेचर ग्लोबल का 93 में जो प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ तक की दूरी तय करके वो प्रोजेक्ट दिखाने ले जा रहा था। उस प्रोजेक्ट की दूरी मैंने तय कर ली थी करीब 7 किलोमीटर दूर, बेस्टेक संस्कृति के सामने सिग्नेचर ग्लोबल का वो प्रोजेक्ट है। आज मैं खड़ा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं पटौदी रोड पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। मैंने सोचा क्यों ना NH8 के साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे से भी 93 में सिग्नेचर का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी डिस्टेंस कवर करी जाए, उसको नापा जाए, बताया जाए आपको एग्जैक्ट लोकेशन का कितनी दूरी पे है। तो यहाँ से करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पे सिग्नेचर ग्लोबल का लो राइज फ्लोर सेक्टर 93 में आ रहा है। चलिए मेरे साथ 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम पहुँचते हैं सिग्नेचर ग्लोबल की 93 की साइट पर, वहाँ कुछ बातें करेंगे उस प्रोजेक्ट की, फिर डिटेल में जानेंगे क्या और किस तरह का प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल लेकर आ रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल की एक खास बात है, सिग्नेचर ग्लोबल जहां पर लग्जरी ब्रांड लॉन्च करते हैं अपने प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिकली उसके पास ही अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। अभी DLF का प्रोजेक्ट बस खत्म ही हुआ है 93 में, लो राइज फ्लोर दीनदयाल के फ्लोर थे, सिग्नेचर उसके पास में ही दीनदयाल के फ्लोर ले आया है, लो राइज के फ्लोर ले आया है। 79 में M3M Antalya का प्रोजेक्ट है, वहां पर भी सिग्नेचर ग्लोबल अपना एक लो राइज का प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। लोकेशन पे चलते हैं और वहां पर चलकर बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल के 93 का जो लो राइज का प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में। हम पटौदी रोड पर हैं और चल रहे हैं 93 के प्रोजेक्ट पे। चलिए दोस्तों फटाफट 5.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो 5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 93 में। मेरे पीछे आप ये जो होर्डिंग्स देख रहे हो ये सिग्नेचर 93 की होर्डिंग्स है। मेरे राइट साइड में थोड़ी सी दूरी पर बेस्टेक संस्कृति है और उसके ऑपोजिट साइड ये सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है। सिग्नेचर के इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, दीनदयाल जन आवास योजना का प्रोजेक्ट है, पुराना लाइसेंस था इसलिए प्रोजेक्ट कवर होगा, घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आशंका है वो अपने मन में ना लेकर आए कि प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट ने रेरा दिया है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, प्रोजेक्ट पूरा होगा। लो राइज फ्लोर होंगे, 18 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया है और इसमें जो कुछ खासियत है वो DLF जैसी है। DLF 93 ये जो है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है, वहाँ इन्वेंट्री अब ना के बराबर है। अब जो लोग वहाँ मिस कर गए थे वो सिग्नेचर को कंसीडर कर सकते हैं। सिग्नेचर ने थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करी है DLF को, इस बार सिग्नेचर पहली बार बेसमेंट बना रहा है और बेसमेंट में रूम भी दे रहा है अपने इस प्रोजेक्ट में, और जो टेरेस है
वो टेरेस टॉप फ्लोर वालों को सिग्नेचर देते हैं जैसा कि हमेशा होता है। मेरी जो शुरुआत थी वीडियो की, मैंने आपको बता दिया था इसकी दूरी NH8 से करीब 7 किलोमीटर है। 18 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK, 3 टॉयलेट, 3 BHK, 3 टॉयलेट, इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसका लेआउट क्या है, इन्वेंट्री क्या है, किस तरह का मास्टर प्लान है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स हैं, किस तरह का क्लब हाउस होगा, सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले लोकेशन थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट के मैं ओपोजिट साइड खड़ा हूँ, तो लोकेशन थोड़ा सा देख लें आप। ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सिग्नेचर ग्लोबल 93 में जो प्रोजेक्ट आया है सिग्नेचर का लो राइज फ्लोर का, ये उसी लोकेशन पे, उसी साइट पे, ये प्रोजेक्ट पे ये पेड़ हैं। ये देखिए होर्डिंग्स लग चुके हैं, लेबर काम कर रही है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। थोड़ा सा मैं कैमरे को पैन करूं तो आप देखिए, ये बेस्ट टेक संस्कृति है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। ये देखिए, ये बेस्ट टेक संस्कृति के बिल्कुल ओपोजिट साइड है। यहाँ से कुछ दूरी पर सिग्नेचर से वो 93 का DLF का प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। थोड़ी सी दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर आशियाना हमारा है जो सेकंड फेज लॉन्च होने जा रहा है। मैंने आपको उसके बारे में बता दिया कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इसके आसपास, और ये 93 में सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब इसका पेमेंट प्लान क्या है, इसका लेआउट प्लान क्या है, क्या इनका फ्लोर प्लान है, किस तरह के ये यूनिट्स लेकर आ रहे हैं, सारी चीज़ें एक एक करके जान लेते हैं। आइए मेरे साथ। सिग्नेचर ग्लोबल के जो लो राइज फ्लोर लॉन्च हुए हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या एमेनिटीज़ हैं वो देख लेंगे, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो देख लेंगे साथ में, और क्या चीज़ें आ रही हैं वो देख लेंगे, कमर्शियल्स आ रहा है वो भी देख लेंगे। और इस बार कुछ अलग हटके सिग्नेचर ने कोशिश की है करने की, वो क्या अलग हटके कोशिश की है वो भी देखेंगे। और साइज़ बहुत बड़े दिए हैं इस बार सिग्नेचर ने, अभी तक के जितने भी दीनदयाल के लो राइज फ्लोर लॉन्च हुए हैं उसमें सबसे बड़ा साइज 93 में लॉन्च किया है। चाहता तो मैं भी बैठ के भाषण दे देता आपको और बता देता कि सिग्नेचर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और इतने एकड़ का यहाँ पे आ रहा है, आप देख लीजिए। बट मैं चाहता हूँ कि जो इस चैनल से जुड़ा हुआ सब्सक्राइबर है और जो इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उन्हें कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और उन्हें पूरा पता रहे कहाँ से ये प्रोजेक्ट कितनी दूरी पर है, NH8 से कितनी दूरी पर है, द्वारका एक्सप्रेसवे से कितनी दूरी पर है, क्या इसका फ्लोर प्लान है, रूम के साइज़ क्या हैं, अलग अलग जो इन्होंने 2 BHK और 3 BHK ऑफ़र किए हैं उसका साइज़ आपको पता रहे, उसका प्राइस आपको पता रहे, कितना एरिया आपको मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। ये वीडियो हम फरवरी के महीने में बना रहे हैं तो जो प्राइस आप देखेंगे इसमें वो फरवरी के महीने में एप्लीकेबल होगा। अगर आप 4 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो 4 महीने बाद जो प्राइस होगा वो बताया जाएगा। आप ऐसा ना करिए कि 4 महीने पहले का वीडियो देखकर आप बोलें कि तब तो ये प्राइस था। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम आपको इतने अच्छे से वीडियो बना के ये चीज़ें समझा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी लेंगे तो हम कितने बेहतर ढंग से आपको गाइड करके प्रॉपर्टी दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, हम रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं। क्योंकि हमने इस चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल दिए, लोगों को लगता है कि ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए चैनल है। वी आर वेरी मच इन रियल एस्टेट बिजनेस। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए, हम आपको बेस्ट प्राइस पर बेस्ट प्रॉपर्टी दिलाने में पूरी मदद करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट में और क्या खासियत है, आपको बहुत कुछ नया देखने और समझने को इस वीडियो में मिलेगा। ये कुछ इस तरह का इनका पिक्चर इन्होंने दिया है, इनका जो मास्टर प्लान है कुछ इस तरह का होगा। ये एक इमेजिनरी पिक्चर है, आप इसको देख सकते हैं, रियल पिक्चर क्या है वो हम आगे देखेंगे। लोकेशन मैप में अगर समझना चाहें, मैंने आपको फिजिकल जाके समझा दिया है तो मुझे नहीं लगता लोकेशन मैप को ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत है। बट फिर भी ये NH8 है और NH8 से करीब 7 किलोमीटर आप चलेंगे, 82, 83, 84 पार करते हुए तो 93 यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सिग्नेचर ग्लोबल की यहाँ पर साइट है, इसके अपोजिट साइड बेस्ट एक संस्कृति है जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ इन्होंने बताने की कोशिश करी है खिड़की दौला टोल 8.6 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जहाँ मैं वाटिका स्क्वायर पर खड़ा था वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर यह है। हीरोंडा चौक 12 किलोमीटर की दूरी पर है, द्वारका एक्सप्रेस वे 5 किलोमीटर की दूरी पर है,
मैंने आपको एग्जैक्ट द्वारका एक्सप्रेस पे खड़ा होके और प्रोजेक्ट तक लेकर आया हूँ आपको, और आपको दिखा दिया है कि कितनी दूरी है, 5 से 5.5 किलोमीटर की ये दूरी है। एयरपोर्ट आप 30 मिनट में पहुँच सकते हैं, IMT मानेसर 6 किलोमीटर की दूरी पर है, रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पर है, बस टर्मिनल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें स्कूल की, RPS स्कूल 4 किलोमीटर की दूरी पर है, यदुवंशी स्कूल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक और इंटरनेशनल स्कूल है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉस्पिटल न्यू गुड़गांव में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बताया जाता है तो RV का नाम लिया जाता है, RV का हॉस्पिटल जो RV हॉस्पिटल है 3.9 किलोमीटर है, कृष्णा हॉस्पिटल 2.8 किलोमीटर है, ग्लोबल हॉस्पिटल 7.2 किलोमीटर है, आर्क मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 3.5 किलोमीटर है। इसके पास कमर्शियल भी कई सारे हैं, एक तो सफायर है 83 में और 93 में ही ये कमर्शियल है, SS के नाम से है। ये फ्लोर कुछ इस तरह के दिखेंगे, आप देख सकते हैं आजकल जो फ्लोर आ रहे हैं सब में जो लोराइज फ्लोर है एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो M3M के अंताल्या हिल्स की हों, चाहे वो DLF के फ्लोर हों, और चाहे भी ये सिग्नेचर के फ्लोर हों। बट इस बार सिग्नेचर ने एक बड़ा दाव खेल दिया है, पॉलिसी सस्पेंड होने के बाद बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। लोकेशन बहुत शानदार है, साइज बहुत शानदार है, प्राइस भी शानदार ही है, आगे देखेंगे। ये देखिए इस तरह की कुछ ये फसाड होगा, इस तरह की कुछ लुक होगी, ये इनके ब्रोशर में जो डिटेल दी गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए ये आगे का फसाड है, ये इस तरह का आपको कुछ देखने को मिलेगा, ये बालकनीज होंगी और किस तरह का ये UPVC का वर्क होगा, ग्लास का वर्क होगा, ये ऊपर देखिए किस तरह का होगा, ये सारी चीज़ें इस बार आपको सिग्नेचर ग्लोबल बिल्कुल कंपटीशन देने की तैयारी कर रहा है DLF को, DLF के इक्वलेंट शायद ये इस तरह की कुछ चीज़ बनाने जा रहा है। ये आप जो देख रहे हैं रोड जैसा दिखाई दे रहा है, ये करीब 2 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक बना रहे हैं, तो इन्होंने इस पिक्चर के माध्यम से ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है। ये इनका क्लब हाउस है लो राइज फ्लोर में, सिग्नेचर ग्लोबल क्लब हाउस भी लेके आ रहा है, स्विमिंग पूल भी है जिसमें। ये फिर से इन्होंने साइड से फसाड दिखाने की कोशिश की है अपने लो राइज फ्लोर की, ये स्विमिंग पूल का एक पिक्चर है, इसमें आपको कमर्शियल भी देखने को मिलेगा। इस 18 एकड़ की साइट में इनका कमर्शियल भी होगा लो राइज फ्लोर के साथ साथ। ये सिक्योरिटी गेटेड कम्युनिटी होगी, स्मार्ट विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम होगा यहाँ पर, यहाँ पर फ्री वाईफाई, स्पेसिफिक लोकेशंस होंगी, साइबर लाउंज होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट होंगे, लॉन्ड्री के लिए फैसिलिटी होगी, मिनी थिएटर होगा इसमें, वेलनेस जोन होगा इसमें, फाइन डाइनिंग होगी इसमें, ई लाइब्रेरी होगी इसमें, योगा मेडिटेशन लॉन होगा इसमें, इंडोर गेम्स होंगे, लाउंज बार होगा, इसके अलावा बैंक्वेट हॉल होगा आपका, स्विमिंग पूल जैसा कि मैं बता चुका हूँ होगा, अलग अलग टाइप के ये पेड़ लगाएंगे, बास्केटबॉल का कोर्ट होगा, डॉक्टर्स रूम होगा, क्लब एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी होगी जो मैं बता चुका हूँ, और किड्स प्ले रूम होगा इसमें, इसमें फिटनेस सेंटर होगा, इसमें बैडमिंटन कोर्ट होगा, इसमें सलून होगा, इसमें स्केटिंग रिंक होगा, ये कुछ फैसिलिटी होंगी इसमें। अब आ जाते हैं इनका फ्लोर प्लान किस तरह का होगा, तो सबसे पहले जो फ्लोर प्लान है वो सबसे बड़े साइज का हम देख लेते हैं, 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टडी रूम, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाएं। ये जो 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टडी रूम है उसमें आपको बेडरूम जो है मास्टर बेडरूम है ये बेडरूम मिलेगा, स्टडी रूम आपको 5x63 का मिलेगा, डाइनिंग एरिया 23.11x11.2 का मिलेगा, ये लिफ्ट की शाफ्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया है, ये टॉयलेट्स हैं, एक टॉयलेट यहाँ पर है, एक बेडरूम है जो 11.7x11.2 का होगा, एक बेडरूम आपको 10.5x11.2 का होगा, ये तीन आपको मैंने बता दिए, किचन आपको एक ये मिल रहा है बीच में, ये देखिए 2 बेडरूम के साथ में, और आगे की तरफ बढ़ते हैं एक टॉयलेट ये है, और आपको इधर भी बालकनी एक दी जा रही है, और एक बालकनी आपको ये इस तरफ दी जा रही है, स्टडी रूम के साथ बालकनी, बेडरूम के साथ है, इधर दोनों बेडरूम के साथ आपको बालकनी मिलेगी, ये 2 बेडरूम मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा ये इसका टेरेस का एरिया देख लेते हैं, ये पूरा टेरेस का एरिया है। इस बार सिग्नेचर ग्लोबल ने कुछ अलग हटके कोशिश की है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अलग डिज़ाइन दिया है। जो टॉप फ्लोर होता है सिग्नेचर के लो राइज फ्लोर में, वो टॉप फ्लोर वाले को टेरेस दिया जाता है, इस बार भी टेरेस का जो एरिया टॉप फ्लोर वाले को दिया गया है, बट फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वालों को अब तक कोई अलग से कुछ नहीं मिलता था, लेकिन इस बार फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वालों को बेसमेंट में रूम दिया जा रहा है, जिसको आप अपना पर्सनल रूम स्टोर के तौर पे या अपना पर्सनल ऑफिस के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी 4 गाड़ियों के लिए पार्किंग दी गई है, आप देख सकते हैं, ये स्टिल्ट पे पार्किंग होगी, जहाँ पर एक गार्ड रूम होगा, लिफ्ट होगा,
स्टेयर्स होंगी और चार गाड़ियों की पार्किंग के लिए ये जगह होगी। यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं, अब आ जाते हैं बेसमेंट में। स्टेयर्स होगी आपकी, लॉबी होगी आपकी, लिफ्ट होगी, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करके बेसमेंट में ये एरिया दिया जाएगा। अब ये एरिया कितना है वो जान लेते हैं। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टडी, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। इसका जो साइज़ है 1530 स्क्वायर फीट है, ये 296 स्क्वायर फीट आपको नीचे बेसमेंट में रूम मिल रहा है, तो 1826 स्क्वायर फीट मिल रहा है आपको। ये आपका बेसिक प्राइस है। उसके बाद कार पार्किंग 4 लाख, उसके बाद पावर बैकअप आपको 76,500 आपको IFMS के देने होंगे। उसके बाद आपको टोटल पड़ेगा 1,33,12,500 का फर्स्ट फ्लोर। इस पर अगर GST ऐड कर दे तो ये आपको पड़ेगा 1,39,74,300 रुपये का, यानी 6,61,800 रुपये इस पर GST हो गई। तो आपको जो साइज़ है फर्स्ट फ्लोर का 1826 स्क्वायर फीट मिल रहा है। कभी इससे पहले किसी ने भी इतना बड़ा साइज़, चाहे वो स्मार्ट वर्ड हो, चाहे वो DLF हो, चाहे वो कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट्स हो, कहीं आपको इतना बड़ा साइज़ नहीं मिला होगा। रुकिए, इस बार आपको टॉप फ्लोर जो है वो तो 2,395 स्क्वायर फीट का मिल रहा है, आप देखिए उसको। सेकेंड फ्लोर भी सेम साइज़ होगा, प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होगा। सेकेंड और थर्ड फ्लोर का साइज़ एक बराबर है और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। अब आ जाते हैं फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर में आपको टेरेस जो है 865 स्क्वायर फीट का मिल रहा है, जिसको ऐड अगर हम कर दें आपके फ्लोर के साथ, आपका जो फोर्थ फ्लोर होगा तो 2,395, लगभग 2,400 स्क्वायर फीट एरिया बनता है। इसका प्राइस 1,44,56,250 रुपये टोटल फाइनल कॉस्ट पड़ेगी। आपको सुना होगा आपने DLF 1.4 से बताता है, बट उसमें वो GST नहीं बताते, IFMS नहीं बताते, बहुत सारी चीज़ें वो हाइड कर लेते हैं, चाहे वो स्मार्ट वर्ड हो। ये ट्रांसपेरेंसी आपको सिग्नेचर में देखने को मिलेगी। सिग्नेचर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ब्रेकअप के साथ बता देंगे। ये आपने इनका देख लिया है। इसके साथ पेमेंट प्लान है, आप देख लीजिए। इसका पेमेंट प्लान आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, 9% देना पड़ेगा आपको। फिर अलॉटमेंट के 60 डेज में पड़ेगा 16% देना पड़ेगा, जो करीब 22 लाख होगा, और फाइनल कॉस्ट वो GST लगा दें तो 23 लाख होगा। उसके बाद 8 महीने के बाद आपको करीब 28 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 16 मंथ के बाद करीब 28 लाख फिर से देने पड़ेंगे। 24 महीने के बाद फिर से 28 लाख देने पड़ेंगे। उसके बाद 30 महीने के बाद आपको 7,22,000 देने पड़ेंगे। 36 महीने के बाद आपको 7,22,000 देने पड़ेंगे, और फिर आपको पोजीशन के टाइम पे 5% देना पड़ेगा। इस तरह आपकी 100% पेमेंट हो जाएगी। और ये पेमेंट मैंने जैसा कि आपको बताया था, फाइनल कॉस्ट 1,44,056,000 रुपये बैठती है फोर्थ फ्लोर जो है आपका। इसकी फर्स्ट फ्लोर की जो कॉस्ट है 1,39,000, और सेकंड और थर्ड फ्लोर की जो कॉस्ट है 1,34,11,500। ये आपको करीब 3 साल में इसका पोजीशन मिलेगा, 3 साल में ही आपको पेमेंट करनी है। ये साइज आपने समझ लिया। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे आपको दिखा देता हूँ। अब 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टडी, ये इनका एक और साइज आ गया है। इसका फ्लोर प्लान ये है, आप देख सकते हैं। इसका टेरेस भी उसी तरह दिया गया है, और इसका ये नीचे बेसमेंट में आपको भी अलग से रूम दिया जाएगा। इसका साइज हम देख लेते हैं, ये साइज थोड़ा छोटा हो गया है। इसमें आपको 1,496 स्क्वायर फीट मिलेगा आपको जो साइज है। इससे पहले मैं आपको 1,530 मिल रहा था, और इसमें 290 स्क्वायर फीट का आपको बेसमेंट में एरिया मिलेगा, और टॉप फ्लोर पे जो टेरेस है आपको 835 मिलेगा। ये टोटल कॉस्ट हम देख लेते हैं इसकी क्या है। इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है 1,36,00,000, सेकंड थर्ड फ्लोर का जो इसमें प्राइस है 1,31,24,200। तो ये 3 BHK 3 टॉयलेट था, इससे पहले आपने देखा 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टडी। इनके पास एक और साइज है 3 BHK 3 टॉयलेट, जो 1,335 स्क्वायर फीट है उसका आप देख सकते हैं। अगर उसमें बेसमेंट का एरिया जोड़ दिया जाए तो 231 स्क्वायर फीट वो बेसमेंट का एरिया है, 1,566 स्क्वायर फीट बैठता है, और फोर्थ फ्लोर के साथ टेरेस जोड़ दिया जाए तो 2,088 स्क्वायर फीट बैठता है। उसका जो फाइनल प्राइस है फर्स्ट फ्लोर का 1,22,55,150 है, सेकंड थर्ड फ्लोर का 1,17,63,750 है, और फोर्थ फ्लोर का जिसमें टेरेस सेट हो जाता है 1,26,75,150 रुपये है। इसके बाद आपको पेमेंट प्लान मैं आपको बता चुका हूँ, सब पेमेंट प्लान उसी तरह से होगा। 9% आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, फिर 60 डेज में 16%, फिर आपको 8 मंथ में 20%, फिर 16 मंथ में 20%, 24 मंथ में आपको 20%, 30 मंथ्स में आपको 5%, और आपको पोजीशन के टाइम पे 5% देना पड़ेगा। उसी आने पे भी आपको 5% देना पड़ेगा। ये आपको पेमेंट प्लान पूरे 3 साल में जाके देना है। ये इनके पास एक और 3 BHK है, 3 टॉयलेट है, टाइप 3 है ये। इसमें
1328 स्क्वायर फीट का साइज़ है, 225 स्क्वायर फीट आपको बेसमेंट का एरिया मिल रहा है। इसका आप देख सकते हैं, ये इसका पूरा फ्लोर प्लान है, ये देख लीजिए। इसमें ये टॉयलेट दिए गए हैं, इसमें ये लिविंग एरिया दिया गया है, इसमें मास्टर बेडरूम दिया गया है, ये एक बेडरूम यहाँ पर दिया गया है, एक बेडरूम यहाँ पर दिया गया है। ये टेरेस का एरिया है जो फोर्थ फ्लोर वालों को मिलेगा, ये कार पार्किंग का एरिया है और इसमें ये बेसमेंट भी दिया गया है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वाले को। इसका प्राइस देख लेते हैं, इसका साइज़ मैंने आपको बता दिया 1328 स्क्वायर फीट है और इसका टोटल साइज़ जब इसमें बेसमेंट एरिया जोड़ देंगे तो 1553 स्क्वायर फीट पड़ेगा और फोर्थ फ्लोर वाले को अगर हम उसका बेसमेंट जोड़ दें तो 2063 स्क्वायर फीट पड़ेगा। प्राइस 1,21,92,850 है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का प्राइस सेम है 1,17,04,600 और टॉप फ्लोर का 1,26,11,800 रुपये है। मैंने एक सबसे बड़े साइज़ का जो इनका 3 BHK का 3 टॉयलेट स्टडी का था उसका फ्लोर प्लान आपको समझा दिया, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह इनके बाकी फ्लोर प्लान्स हैं। साइज़ से आपको आइडिया लग जाएगा रूम साइज़ में और टेरेस में और बेसमेंट में थोड़े से रूम साइज़ छोटे हो गए हैं, टेरेस का एरिया छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पर ये जो टोटल एरिया है वो थोड़ा जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। 3 BHK इसमें एक और साइज़ है, उसमें आपको 1235 स्क्वायर फीट मिल रहा है एरिया और 185 स्क्वायर फीट आपको बेसमेंट में रूम मिल रहा है और बेसमेंट के साथ साथ जो टॉप फ्लोर वाले को 1235 स्क्वायर फीट का एरिया मिल रहा है, साथ में 655 स्क्वायर फीट का टेरेस मिल रहा है, तो उसको 1890 स्क्वायर फीट और बाकियों को 1420 स्क्वायर फीट मिलेगा एरिया। टोटल कॉस्ट इसकी देख लेते हैं, इसकी कॉस्ट है 1,13,73,400 रुपये फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड और थर्ड फ्लोर की 1,09,18,750 और जो फोर्थ फ्लोर है जो टेरेस के साथ मिलता है उसमें 1,17,61,900 रुपये है। ये मैं आपको बता देता हूँ, 5 अलग अलग टाइप के इस बार सिग्नेचर ने ये 3 BHK लॉन्च किए हैं। अब दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एक में आपको 1530 स्क्वायर फीट का एरिया मिल रहा है, दूसरे में आपको 1496 का एरिया मिल रहा है, तीसरे में 1335 के स्क्वायर फीट का आपको एरिया मिल रहा है, ये मैं बेसमेंट का रूम हटा के बता रहा हूँ, और एक और है जिसमें आपको 1328 स्क्वायर फीट का एरिया मिल रहा है, एक और साइज है 3 BHK का जिसमें आपको 1235 स्क्वायर फीट का एरिया मिल रहा है। उसके बाद 2 BHK के इनके पास दो साइज़ हैं, हम 2 BHK देख लेते हैं, 2 BHK का लेआउट देख लेते हैं। ये 2 BHK का लेआउट आपके सामने, एक इस तरफ बालकनी दी गई है और एक बालकनी इस तरफ दी गई है, ये किचन के साथ भी है और इसके जो मास्टर बेडरूम है इसके साथ भी एक बालकनी ये इसके साथ अटैच है, ये आप देख सकते हैं, एक बेडरूम यहाँ पर है, इसके साथ भी ये बालकनी अटैच है, ये किचन हो गया, ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया, एक बेडरूम ये हो गया, एक बेडरूम आपका ये हो गया, ये लिविंग एरिया हो गया और ये डाइनिंग एरिया हो गया, आप देख लीजिए बालकनी इस तरफ भी दी गई, ये दो टॉयलेट हो गए। ये 2 BHK है, इसमें टेरेस 2 BHK इसके पास टॉप फ्लोर होगा उसको मिलेगा और बेसमेंट में जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर वाले जो होंगे उनको 210 स्क्वायर फीट का एक रूम मिलेगा और स्टिल्ट पे गार्ड रूम होगा और 4 गाड़ियों की पार्किंग होगी जो चारों फ्लोर वालों को एक एक गाड़ी की पार्किंग मिलेगी। ये अब 2 BHK 2 टॉयलेट का साइज़ देख लेते हैं, 1278 स्क्वायर फीट आपको मिला 2 BHK में, जिसमें जो फोर्थ फ्लोर है जिसमें टेरेस ऐड कर दिया जाए 557 स्क्वायर फीट का, तो 1675 स्क्वायर फीट ये बैठता है। प्राइस देख लेते हैं, 1,03,00,000 है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर 99,30,000 है और टॉप फ्लोर 1,06,00,000 है। इसका टाइप 2 देख लेते हैं 2 BHK का, ये साइज़ और छोटा है, 981 स्क्वायर फीट इसमें साइज़ है, 135 स्क्वायर फीट इसमें आपको बेसमेंट में रूम मिल रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर को, फोर्थ फ्लोर को 433 स्क्वायर फीट का टेरेस मिल रहा है। इस तरह ये एरिया 1166 बन जाता है, टॉप फ्लोर वाले के लिए एरिया बन जाता है 1414। प्राइस देख लेते हैं, सबसे कम प्राइस इसी पर है, इसमें जो सबसे कम प्राइस वाला जो फ्लोर है वो 2 BHK 2 टॉयलेट आप मान के चलें, टोटल प्राइस है फाइनल कॉस्ट है वो 87,72,400 रुपये है। इसमें जो टॉप फ्लोर है उसकी जो प्राइस है वो 94,42,350 रुपीज़ है। तो सबसे जो सस्ता फ्लैट है 2 BHK 2 टॉयलेट वो 87,72,000 रुपये में आपको मिल जाएगा और जो सबसे महंगा 3 BHK सबसे बड़ा साइज है उसका प्राइस 1,44,56,250 रुपये है। आपके पास 87 लाख से लेके 1,44,00,000 के बीच में 7 अलग अलग साइज़ हैं 2 BHK 3 BHK के, अब आपके बजट को जो सूट करता हो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पेमेंट प्लान मैंने बता दिया, साइज़ आपको बता दिया, फ्लोर प्लान समझा दिया, लोकेशन मैंने दिखा दी। बेस्ट प्राइस बेस्ट यूनिट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने पेमेंट प्लान समझ लिया, आपने लेआउट समझ लिया, आपने ये देख लिया किस तरह की ये यूनिट्स आ रही हैं, क्या उनका साइज़ है, सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब प्राइस भी आपने देख लिया, अब आप कंपेयर करेंगे डीएलएफ से। डीएलएफ जितना बड़ा नाम तो नहीं है,
पठान काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करता है सिग्नेचर। लोकेशन DLF 93 से मुझे ज़्यादा बेटर लगी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये लोकेशन मुझे DLF से थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपकी मेरे से डिफ़र भी हो सकती है ओपिनियन। तो अब बात आती है कि इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है, आपको घर की ज़रूरत है तो आपको इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। आपको घर की ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे, जाके क्या करेंगे खरीद के? एज इन्वेस्टर के तौर पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब आती है बात प्राइस की, बेस्ट यूनिट की। तो बेस्ट प्राइस, बेस्ट यूनिट आपको चाहिए, स्क्रीन पे नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हमारा ऑफिस 65 सेक्टर में है, M3M पॉइंट पे, आप वहाँ मिल सकते हैं मुझसे या मेरी टीम से कोई मिल जाएगा आपको। और अगर आप कहेंगे तो हम साइट पे भी हमारी टीम से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, आपको जो बेस्ट प्राइस है, बेस्ट यूनिट है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। दोनों तरफ से मैंने दिखाने की कोशिश करी है, NH8 से भी, द्वारका एक्सप्रेस से भी, कि कहाँ पर कितनी दूरी पर ये प्रोजेक्ट पड़ता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोशिश है आपको सारी कनेक्टिविटी दिखाएं, सारे रास्ते बताएं, ताकि आप जब अपना डिसीजन लें तो आप सोच समझ के डिसीजन लें, आप कौन से प्रोजेक्ट में, किस तरह के प्रोजेक्ट में क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।